घरेलू उपाय में आपका स्वागत है। ठंड में सावधान रहें अस्थमा के मरीज, करें ये उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप अस्थमा के रोगियों के बारे में कुछ खास टिप्स इस ठंड के लिए जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहें। ठंड का मौसम जितना सुहावना और सेहत के लिए फायदेमंद होता है, अस्थमा के मरीजों के लिए उतना ही नाजुक समय होता है। इस मौसम में सर्दी, जुकाम, जोड़ों के दर्द के साथ साथ सांस की परेशानियां का बढ़ना बहुत आम बात है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को इस मौसम में बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। श्वास रोग विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों का मौसम स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ खास औषधियों जैसे कुछ खास व्याधियों जैसे अस्थमा, हृदय रोग, कैंसर के ग्रसित व्यक्तियों के लिए यह मौसम कुछ समस्याएं भी लाता है। यदि कुछ सावधानियां बरती जाए तो इस समस्याओं को से बचा जा सकता है। डॉक्टर के अनुसार सर्दियों के मौसम में अस्थमा के रोगियों को श्वास संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसके साथ कैंसर, जोड़े के दर्द के रोगियों का भी दर्द बढ़ सकता है। इसके साथ सर्दियों में त्वचा और एलर्जी संबंधी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञ के अनुसार सर्दियों में श्वास नलियां सिकुड़ने लगती हैं और कफ भी ज्यादा बनता है। इसके साथ ठंडे माहौल के कारण धुआं और वातावरण में घुले हुए तत्व पूरी तरह आसमान में ऊपर नहीं जा पाते हैं और एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इसलिए अस्थमा की समस्या सर्दियों में बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए घर को धूल और धुएं से मुक्त रखें। पूरी तरह गर्म कपड़े से खुद को ढक कर रखें। एयर कंडीशन और तेज पंखे के नीचे बिल्कुल न बैठें। अपना इनहेलर हमेशा पास रखें और स्टेरॉयड का प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करें। अपने शरीर को जितना गर्म रख सकते हैं उतना ही गर्म रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जान गए होंगे कि अस्थमा के रोगियों को ठंड के मौसम में क्या करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।